फाइट। परे दोनों हाथ ऐसे रखो, दोनों ऐसे फेस को कवर करो वरना बहुत मार पड़ेगी। पल्लवी के साथ शादी करने का भी तेरा सपना सपना ही रह जाएगा, समझा था? अरे दादा हम करेगा क्या, और टाइसन हमको घुमा घुमा के मार रहा, मार जाएगा। वो इंस्पेक्टर इनामदार जब तेरे पीछे पड़ता था तो तू क्या करता था? हम भागता था दादा, बहुत तेज भागता था। तो एग्जैक्टली वैसे करना, इतना भाग कि थका दे इसे। अब आरंभ होता है चतुर्थ चक्र, फाइट। बेटा संभाल के चश्मे को लग जाता तो चश्मा फूट जाता, आंख में चला जाता तो हम मारते हैं गजी को। तो एक मिनट इधर आओ, सेंटर में आओ, दोनों सेंटर में आओ, फाइट। शाबाश। कुछ मंगवाऊ आपके लिए? नहीं ठीक है ना? शाबाश शाबाश, तू मेरा शेर है शेर, क्या बात है, वेरी गुड। बेटा ये क्या कर रहे हो तुम? तुम तो कहते थे कि तुम कॉलेज में बॉक्सर चैंपियन थे, वहाँ क्या भेड़ों के साथ बॉक्सिंग खेलते थे? मतलब ये एक गधा तुमसे पीटा नहीं जा रहा है, कुछ करो बेटा। शाबाश, बहुत बहुत सही कह रहा हूँ, वेरी गुड वेरी गुड। मुश्किल है ये रेफरी का काम, काफी मुश्किल है। थीरू ये लीजिए, मैं आपके लिए जूस लाई हूँ। क्या बात है उषा, बहुत थके हुए लग रहे हैं आप, पीजिए। एक बात बताऊं, आप इन कपड़ों में बहुत अच्छे लग रहे हैं, खासकर इस बो टाई में। थैंक यू। पीजिए ना। नहीं पहले तू। नहीं नहीं आप बहुत थके हुए हैं, प्लीज आप पीजिए। पीऊंगा एक सिप। नहीं नहीं एक सिप एक सिप तो नहीं, सब लोग एक सिप। उषा ये तुम मेरे लिए लाई थी ना? No, no! मैं दूसरा लेके आती हूँ। नहीं नहीं ठीक है इतना चलेगा। अच्छा पी गई। कोई बात नहीं। हृदय की धड़कन थाम लो और प्रभु का नाम लो, क्योंकि अब आरंभ होने जा रहा है पंचम और अंतिम चक्र। चाहिए। इस चक्र में जो खिलाड़ी अपने पांव पर खड़ा रह पाएगा वो विजेता घोषित होगा। वेरी गुड। और जो नहीं टिक पाया उसे रन छोड़ दास की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। कमान Seven.
अमित शाह, ये हमारा शरीर का नहीं, हमारा प्यार का ताकत था। 1 2 3 4 5 अरे वाह, उड़ गया उड़ गया, फाइव पे उड़ गया। कमान कमान, 1 2 3 4 5 6 7 8 अरे उड़ गया उड़ गया उड़ गया उड़ गया, फाइट फाइट फाइट। वेरी गुड, बट अब मुझे गिनने दो। 1 2 3 4 ओ आप खड़े रहिए, 5 6 7 प्लीज, 8 9 हंस लो बेटा हंस लो, तुम लोग को पता नहीं कि अभी मेरा आखिरी मुक्का बाकी, जब वो पड़ेगा तो तुम में से कोई भी मुस्कुरा नहीं पाएगा। डायरी? अंकुर कब से डायरी लिखने लगा? अरे मेरी पर्सनल डायरी है, ये क्या पढ़ रही हो तुम? मैं भी तुम्हारी पर्सनल डायरी हूँ, पढ़ने दो मुझे। अरे एक मिनट, 17 मार्च माँ के 50,000 दिन है, प्रीति भाभी पंकज भैया की 30,000, ये क्या है? ये फैमिली वालों को कैसा पेमेंट करना है तुम्हें? पेमेंट नहीं है, पे बैक। पे बैक मतलब? अरे मतलब साफ है, ये क्या है कि देखो जिंदगी भर हमें हमारी फैमिली की तरफ से ढेर सारा प्यार मिलता है। सारे माँ बाप अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं लिखाते हैं, और कई कई बार तो अपना खुद का पेट काट कर उन्हें ये सब करना पड़ता है। भाई बहनों से भी हमें प्यार मिलता है। तो दुनिया में ऐसे ढेर सारे अनाथ बच्चे हैं, ढेर सारे बूढ़े लाचार माँ बाप हैं जिन्हें ये प्यार नसीब नहीं होता। तो मैं क्या करता हूँ, अपने परिवार के सदस्यों के नाम से उन लोगों को पैसे देता हूँ। समाज का एक ऋण है जो मैं चुकाने की कोशिश करता हूँ, तो ये वो पे बैक है। ओ, बाय द वे मैंने देखा ये 25 मार्च का जो पन्ना है, तुमने इस पे कुछ लिखा नहीं है, क्यों? अरे एनिवर्सरी है डार्लिंग, कमाल करते तुम। अरे जर्मनी की गार्मेंट फैक्ट्री को 1 साल पूरा हो रहा है, यस उसकी एनिवर्सरी है। वो लिखने की जरूरत ही नहीं है यार, वो तो नींद में भी मुझे कोई पूछेगा तो भी मैं बोल दूंगा। अच्छा मैं कुछ और ही समझी थी। क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं, तुम्हें याद ही नहीं है तो ये लो डायरी। क्या गिफ्ट चाहिए तुम्हें 25 मार्च को? अपूर्वा तुम्हें याद है? ऑफ कोर्स याद है पागल, मैं कैसे भूल सकता हूँ, मेरी इकलौती बीवी की वेडिंग एनिवर्सरी है। अच्छा तुम्हारी बीवी की एनिवर्सरी है, मेरे पति की नहीं है? नहीं वो तो ठीक है, मतलब ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। क्या है कि मेरी बीवी ऐसा पति पाकर इतनी खुश हो गई थी ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और मेरा पति ऐसी बीवी पाकर खुश नहीं हुआ था क्या? तुम्हारा पति बेचारा क्या ना, बड़ा सीधा साधा गाय की तरह, इज अ सिंपल गाय, यू नो, एडजस्ट कर लेता है कोई भी मिल जाए। एडजस्ट करता है वो, तुम एडजस्ट करो। अरे मेरे साथ एडजस्ट करो बेबी। अच्छा देखो 25 मार्च को हम हमारी वेडिंग एनिवर्सरी ऐसे धूमधाम से मनाएंगे ना कि सब लोग देखते रह जाएंगे। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस? अरे सुबह से ये दाई आंखें ना वो फड़क रही है यार, मेरे को लग रहा है क्या कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है बॉस। गड़बड़ तो होने वाली है, शब्बो मुझे पीटने वाली है। अरे कब अंकल आएंगे, कब प्रवचन शुरू करूंगा, कब खत्म करूंगा और कब शब्बो से मिलने जाऊंगा?
संदीप जी, आप प्रवचन शुरू करें उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी, कुछ ही देर में एक जौहरी हमारे घर में आने वाला है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने मन पसंद गहने उससे खरीदें। वाओ, अरे अंकल, आज तो कोई त्योहार भी नहीं है, आपने ज्वेलर को क्यों बुलाया? प्यार कर ले, प्यार कर ले। तो सब लोग हमारे साथ गाएंगे। यार बिना चैन कहाँ रे, सुन नहीं चंद नहीं यार तो मिला, अरे प्यार करे। वाह, तो समझी जी, अब हमारा भी हमारे यार से मिलने का समय हो गया। शापू, शापू। जी मतलब यार, अभी तो बताया समझी जी, यार यानी ईश्वर। हमारा मंदिर जाने का समय हो गया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हो आई हो आई। जी, अरे हाँ, परेश और पंकज को भी काम पे जाना होगा ना। हाँ जी, हाँ जी, जाना है जी, हम बस जाने ही वाले थे। हम भी कोर्ट जाता ही था। एक मिनट। हाजी, हाजी सर, हाँ मारे को सुनाई दे रही है, बोलिए। के मारे को आज ही आना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। ओके। मोहित बेटा, क्या बात है, बहुत टेंशन में लग रहे हो। मारे को वो गुनेगार लोगों को पहचानने के वास्ते पुलिस ने मैंने कहा है कि मारे को किसी सुरक्षित जगह जाना पड़ेगा ताकि ये लोग मैंने ढूंढ ना सके। अच्छी बात है बेटा, बहुत ही अच्छी बात, बहुत बड़ा काम करने जा रहे हो, गुनेगारों को पकड़वाने का बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम। घबराना मत, जरा भी घबराना मत, और कुछ भी काम हो तो हमें फोन कर देना। ना जी अंकल, मैं आपको फोन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं जहाँ जा रहा हूँ उसका तो पता भी मैंने पुलिस ने नहीं दिया है। और उन्होंने मैंने फोन रखने के लिए भी मना किया है। सी, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। घर पर कोई है ही नहीं, चलो अड़ोस पड़ोस में देखकर आते हैं। हाँ। नहीं यार, हमने आसपास का सारा क्षेत्र घूम लिया है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि संपूर्ण नारियों का समूह एक साथ अदृश्य हो जाए। सारे फोन स्विच ऑफ आ रहे। क्या? चलो ने मिसेस तेंदुलकर के घर पे जाके रंगे हाथों पकड़ते हैं। क्या अंगूर मिले हैं, वाह। आधा किलो तो आप रास्ते में ही खा गए अंकल। देखो अपूर्वा, यहाँ यहाँ अंकल। अरे यार, आइए। लगा कहाँ चले गए, अभी भी बहुत सारे अंगूर बचे हैं, सबका पेट भरेगा। सबका पेट भरेगा लेकिन आपके पेट का क्या होगा, इतने चुके हैं। बिगड़ सकता है। उषा, आरती, उषा, पल्लवी भाभी, प्रीति भाभी, कहाँ है सब लोग? मैं बुला था उनको। मैं भी देख। उषा, अरे देखो कितने कमाल के अंगूर ले आए हम लोग। अरे नहीं मिला, गार्डन में, छत पे, सब जगह हम देख के आए हैं, किधर भी नहीं मिला। हमने भी घर के संपूर्ण क्षेत्र में ढूंढा, कहीं नहीं दिखे। लेकिन सबके सब गायब कहाँ हो गए? बाबा अंगूर, हमको लगता है ये लोग अंगूर लेने चला गया होगा। पल्लवी, नहीं अंकल, अंदर कोई नहीं। अरे तुम लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? अंकल जी, हुआ है कि हमारा कोर्ट का जज साहब है ना, उनका तबीयत अचानक बिगड़ गया तो हम उनको लेके दादा का हॉस्पिटल में गया। जब वो अच्छा हो गया तो हमने सोचा कि घर तो पास में ही है, इधर ही आके खाना खा लेंगे साथ में। हमारी मीटिंग भी बहुत जल्दी खत्म हो गई तो
हम लोगों ने भी सोचा कि घर पर आकर खाना खा लेते, लेकिन घर पर कोई है ही नहीं। मैं अंदर गया था तो फैन, एसी, लाइट सब ऑन है। अरे हाँ, गई कहाँ ये? दादा, ऐसा भी तो हो सकता है कि पास में कोई साड़ी का सेल लगा हो, या फिर किसी मॉल के अंदर बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर चलता हो। ऐसा टाइम पे औरत लोग कोई भी काम छोड़ के चला जाता है। अरे हाँ, ये तो लग ही नहीं रहा है। लेकिन दरवाजा खुला छोड़कर कैसे जा सकती है? ताला लगा कर तो जाना चाहिए था। चलो अड़ोस पड़ोस में देख कर आते। हाँ। नहीं यार रुकिया, हमने आस पास का सारा क्षेत्र घूम लिया है लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। हमें तो चिंता हो रही है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि संपूर्ण नारियों का समूह एक साथ अदृश्य हो जाए। सारे फोन स्विच्ड ऑफ आ रहे हैं। अंकल, मुझे लगता है हमें पुलिस स्टेशन जाना होगा। अपूर्वा! अरे आप लोग यहाँ कैसे? मार्केट में नकली नोट लाने का इन पर इल्जाम है। क्या? हमने इन्हें रंगे हाथों पकड़ा है और हमारे पास इसका सबूत भी है। ये झूठ है। मैं खुद साबित करूंगा कि मैं और मेरा पूरा परिवार इस मामले में बेकसूर है और गुनहगार को कानून के सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। ये मेरा चैलेंज, धीरू भाई झगेरी का चैलेंज।